गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और एक और नए दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो चुकी थी, अभी शाम हो गई है, लगभग 4:30 हो गए हैं। और अनुराग ने स्कूल से आके बैग यहीं पे छोड़ दिया है, ये देख सकते हैं आप पीछे। और कर्टन्स वगैरह अभी मैंने लगाए ही नहीं है क्योंकि पेंट का काम था, तो सारे कर्टन्स वगैरह मैंने धो के रखे हैं और मैं सोच रही हूँ कि दूसरे वाले लगाऊंगी। तो बस अभी हम लोग ऐसे ही बिजी हैं शादी वगैरह में, तो इसलिए अभी लगाए नहीं है कर्टन्स। अभी अनुराग चला गया म्यूजिक की क्लास के लिए रेडी शेडी होकर, क्योंकि अनुराग भी आज जाएगा हमारे साथ शादी के फंक्शन में। आज है मामा स्वागत की रस्म, तो आज हम जाएंगे और इंजॉय करेंगे आज के दिन को भी खूब सारा। तो पिछला ब्लॉग आपने देख ही लिया होगा, लेडी संगीत की रस्म थी। रात को हमने मेहंदी लगाई थी और मेहंदी लगाई कुछ ऐसी हल्की हल्की सी ही लगाई, क्योंकि करवा चौथ भी आने वाला है इसलिए तब तक निकल जाए मेहंदी, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डिज़ाइन किया, हल्की सी दोनों हाथों में ऐसी लगी है। देखो कितनी अच्छी लगी है मेहंदी, फटाफट से लगा दी थी भैया वगैरह ने। और अब फटाफट से रेडी होते हैं, हस्बैंड भी आएंगे अभी, आज हस्बैंड भी जाएंगे, हम लोग सभी जाएंगे। रूबी को खाना वगैरह खिला देंगे और फिर निकलेंगे हम लोग। तो अभी पहले मैं नहा लेती हूँ और रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को उसके बाद। मैंने अपना हेयर कट भी करवाया है और बहुत सारी चीज़ें हुई है इसी बीच में। मैंने ब्लॉग्स थोड़े थोड़े बनाए भी थे, पूरे नहीं कंप्लीट नहीं हुए थे, इसीलिए मैंने अपलोड भी नहीं किया। कैसा लग रहा है मेरा न्यू हेयर कट आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो कुछ ऐसा है मेरा हेयर कट, वैसे आपने पिछले ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो अभी फटाफट से रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपको रेडी। निकल गई हूँ और अभी मैंने पहना है ये शर्ट, ये ट्रेडिशनल ड्रेस की शर्ट है और अभी मैं पहनने वाली हूँ अपना ट्रेडिशनल ड्रेस। तो बने रहिए ब्लॉग में, अच्छे लगेंगे आज हम ट्रेडिशनल ड्रेस में। मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद आज ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे हैं तो अच्छा लगता है जब भी अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं ना। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ मैं ट्रेडिशनल ड्रेस में? बिल्कुल रेडी हो गई, चकाचक एकदम चमक रही हूँ मैं तो, बढ़िया लग रही हूँ, मेरे को बढ़िया लग रही हूँ, औरों को चाहे लगे चाहे ना लगे। और ये रहे हमारे, इधर को आओ, उधर को रोशनी है, इधर आओ, इधर को, इधर नहीं बाहर को जाना आप तो, बाहर तो जाना है। ये रहे हमारे चौहान साहब, कैसे लग रहे हैं चौहान साहब? बहुत दिनों बाद मिली है चौहान साहब से। हेलो, एक्साइटेड है शादी में जाने के लिए, डांस करने के लिए? डांस तो पता नहीं, अब थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है चौहान साहब की, इसलिए बोल रहे। चलो हमारी वीडियोस तो बना देंगे ना आप, डांस ना भी करें, मेरी अच्छी सी ड्रेस दिखा दो ना पूरी पहले। कैसी लग रही है? बढ़िया, चमक रही हूँ, छम छम, कुछ बोलो, तारीफ ही कर दो आप। बहुत बढ़िया, 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 तारीफ हो घर वाले, कपड़ा अच्छा, बढ़िया है कि नहीं है, बढ़िया है कि नहीं, ऐसा बोलो। मेरी भाई को आज सबसे सुंदर लग रही है, जैसे मैं आपकी कर रही हूँ, कितने स्मार्ट लग रहे हैं आज तो, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, पैंट पहनते नहीं है, पैंट पहन के तो स्मार्ट लग रहे हैं, देखो शर्मा भी रहे हैं। चलो फिर निकलते हैं आप, चलो। फाइनली हमारे साथ, आप नहीं आए थे कल, दिखे ही नहीं, दिखे ही नहीं मेरे को तो, आई थी। फाइनली हम निकल रहे हैं आज, हम फटाफट निकल गए, बाकी के लोग अभी आएंगे आराम आराम से, पीछे पीछे थोड़े थोड़े लोग निकल रहे हैं। हमारे को दीदी ने बोला था जल्दी आना, इसलिए हम थोड़े जल्दी निकल रहे हैं। और अरे कैसे लग रहे हैं हम? अच्छे लग रहे हैं ना, है ना, अच्छे लग रहे हैं ना, खुद को अच्छे लगने चाहिए ना, औरों को लगे चाहिए। हम यहाँ पे पहुँच गए, अब हम जा रहे हैं मिठाई लेने, यहीं पे शॉप है मिठाई की, हमने सोचा कि वहीं से ले लेंगे। नहीं तो बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हो दोनों, एक जैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सुंदर। यहाँ पे हो रहा है सभी मेहमानों का तिलक लगाकर स्वागत, और उसके बाद होगा मामाओं का स्वागत। अभी सिर्फ जो भी मेहमान आए हुए हैं उन सभी का स्वागत किया जा रहा है, और तब तक मामा भी पहुँच जाएंगे और फिर उनका भी बहुत ही धूमधाम से स्वागत होगा। तो आइएगा मेरे ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिए पूरे ब्लॉग को। ये हमारी बहन है, मासी, दीदी, मासी सिर पीनो पा।
ये हमारी दोस्त आनी मेरे जमाने थोड़ी गोड़ी जी भाई जी जारी जारी रात सब सब लोग एक साथ अभी अभी आ जाओ नहीं आ पड़े दीदी हाँ आ जाओ ऐसा नहीं पास देख रहे सामने हम कुलचा अभी लेंगे ना इधर हो गया अलग प्लेट गोलगप्पे खाएंगे ये अंदर प्लेट गोलगप्पे खाएंगे खाने के लिए क्या क्या खाएं फटाफट खाओ फटाफट अभी और बहुत कुछ है सब कुछ खाएंगे ना सब कुछ खाएंगे थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाएंगे मैं चेक कर रही हूँ कौन कितना खा रहा है रोज कम खाओ कम खाने के ध्यान दो बातों पे नहीं देना ध्यान अभी तो अच्छा नहीं है बात देखो कितना प्लेट में दिया खाली खाली पट पट कैसा है टेस्टी है पक्का आप अमृतसर से आए हो अमृतसर का कुलचा यहाँ पे रोटी कुलचा अमृतसर ही गरम गरम खाना सीधा ना जी सर यहाँ पे हम खा रहे हैं अमृतसरी कुलचा और हमारा मतलब पेट तो फुल हो गया था लेकिन मन नहीं भर रहा था क्योंकि सब कुछ इतना ज़्यादा टेस्टी बना था तो हमने थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ही टेस्ट कर ली और भी बाकी रह गई थी लेकिन फिर भी हमने चाय
कैसा लग रहा है? स्पेशल और कुछ? अभी सोचने का मौका ही नहीं है। याद आए कि सर कि पान खाए की जो सिर्फ की शान आती है, कि पान खाए की जो सिर्फ की शान आती है, और थोड़ा खुल के मुस्कुरा दो महफिल में जान आती है। तो जैसे प्यारे आप इस पान को अभी भी आपने देखा और आप ऐसे लग रही हो फिल्म स्टार रेखा। क्या कहा है कि सर आप बोलो या ना बोलो, कि आप बोलो या ना बोलो आपके बोलने का कम नहीं, और जो आपके देखने का स्टाइल है ये भी आपके बोलने से कम नहीं। क्या कहा है कि मैडम इस पान में लगा दिया मैंने गुलाबी नू, और आप तो ऐसी लग रही है करीना कपूर। क्या कहा है कि उछलती है डब्बी दिखाती है एक्शन, कि उछलती है डब्बी दिखाती है एक्शन, और इसे खाएंगे छोटे से प्यारे माइकल जैक्सन। वाह वाह वाह। लगा दी मैंने गोली, कि इस पान में लगा दी मैंने गोली, और भैया आज तो ऐसे लग रहे थे विराट कोहली। आप क्या ली? क्या कहा है कि मैडम इस पान को मैंने कर दिया रैप, इस पान को मैंने कर दिया रैप, और ये खाएंगे आज की प्यारी सी कैटरीना कैफ। थैंक यू भैया। मत मारो इस पानी में कंकर इसे भी कोई पीता है, कि मत मारो इस पानी में कंकर इसे भी कोई पीता है, और मत छुपा दो चांद का चेहरा इसे भी देख के कोई जीता है। वाह वाह वाह। भैया जी देखो कितने दिनों से लगे हैं मेहनत करने, इतनी अच्छी सजावट की है ना आपने, बहुत ही बढ़िया सजावट की है। और आप बाकी आप थैंक यू। इंतज़ार करते करते घड़ियां समाप्त हो चुकी है इंतज़ार की, अब थोड़ी देर में मामा पहुंचने वाले हैं, और बस कुछ ही क्षणों की देरी है अब मामा स्वागत होगा अब यहाँ पे। अभी हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, हमने पेट पूजा भी कर ली है, पान भी खा लिया, और बस अब मामा का स्वागत करेंगे जोरों शोरों से। Thank you.
मामा स्वागत के बाद हम लोग आ गए थे डिनर करने के लिए। वैसे पेट में जगह तो थी नहीं, फिर भी हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा खा ही लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डिनर किया हमने, अनुराग ने तो खाया ही नहीं, हम लोगों ने कर लिया थोड़ा से। Thank you.
Choo-choo-choo!
कैसा लगा? क्या चीज अच्छी लगी आपको? सबसे गोलगप्पे बढ़िया थे। गोलगप्पे बढ़िया थे, ग्वाला लगाने बढ़िया था। और आपको? सब कुछ ही बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था ना, मजा आ गया। आइटम ऐसे बनाई थी ना, मतलब कि नहीं तो हो जाता कि एक आधी आइटम को ये बोले जिसमें ऐसा है वैसा, मजा आ गया, कोई कमी नहीं थी, नमक चीनी सब बढ़िया। तो फ्रेंड फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, अभी हम आ गए हैं घर। अभी तो रस्में चलती रहेगी रात भर, लेकिन हम लोग आ गए हैं क्योंकि सुबह सुबह हमको फिर जल्दी जाना है। अनुराग को मजा आया। अनुराग कल भी जाना है शादी में, कल लास्ट डे है शादी का, परसों भी फिर शादी है, मजा आएगा। अभी तो शादियों का सीजन चल रहा है, शादियाँ खाओ। तो बस अब घर पर पहुँच गए हैं, अब चेंज वेंज करते हैं और ईजी वीजी हो जाते हैं और रेस्ट करते हैं। मिलते हैं कल आपको फिर नए ब्लॉग के साथ। होप करते हैं कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मामा स्वागत का ब्लॉग। तो मैं थोड़ा बहुत ही बना पाई, जितना भी बना पाई, लेकिन बहुत ही आनंद आया, डांस वांस किया हमने, खूब आनंद आया।